वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपलोड्स हों तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलें। आज मैं आपको एक बहुत ट्रिमेंडियस ऑयल बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही फैबुलस है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें एक्चुअली वो ऑयल जो है वो आपके हेयर लॉस को विद इन 15 डेज मिनिमम एंड मैक्सिमम, जिसको बहुत ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो उसे 1 मंथ में गेट रिड कर देगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 1 मंथ में कम्प्लीटली आपका हेयर लॉस जितना भी हो चला जाएगा। इवन ये सिर्फ हेयर लॉस नहीं, आपके पूरे हेयर ओवरऑल हेयर हेल्थ को थिकन अप करेगा, आपके हेयर्स को, आपके स्कैल्प को बहुत मजबूत और हेल्दी बनाएगा और बहुत ही ट्रेमेंडियस रिजल्ट्स आपको उससे देखने को मिलेंगे। इवन आपके हेयर्स भी बहुत स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। बट इसका मेन वर्क जो है, बाकी चीज़ें तो इसके साथ एड ऑन बेनिफिट्स हैं, बट इसका मेन काम आपके हेयर लॉस को रोकना है। तो आपका जितना भी हेयर लॉस हो, डिपेंडिंग आपके हार्मोनल चेंजेस वगैरह जो बॉडी की इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए तो आपको देखिए रेमेडी करनी ही होगी डॉक्टर के पास जाकर। विदाउट मेडिकल रीजंस के ऐसे ही लॉस हो रहा है हेयर्स का, देन ये नॉर्मल है और ये इस रेमेडी से बहुत ईजिली चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विद इन 15 डेज मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 मंथ में आपका हेयर लॉस कम्प्लीटली रोक देगा। बहुत कम जो बाल नेचुरली गिरते हैं वो 1-2% गिर सकते हैं किसी किसी केसेस में, बट मैक्सिमम इसके अब तक जितने रिजल्ट हैं वो बहुत ही फैबुलस हैं और हेयर लॉस कम्प्लीटली 1-2 महीने में सबका, मैक्सिमम 2 मंथ्स तक चला गया है और सब बहुत खुश हैं इस रिजल्ट से। तो किसी ने मुझे भी ये बताया तो मैंने सोचा इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाकर आपको बताऊँ ताकि आप भी एक बार इसे ट्राई करें और देखें इसके कितने ट्रेमेंडियस रिजल्ट हैं। और मैंने खुद भी ये ट्राई किया है, 1 मंथ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। टू बी फ्रैंक, मेरी भी काफ़ी हेयर लॉस होता था पहले। 1 मंथ आई एम ट्राइंग दिस, 1 महीने से हाँ मैंने इसे इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही ट्रेमेंडियस रिजल्ट्स देता है। तो मैंने सोचा जब ये मुझ पे वर्क कर रहा है तो पक्का आप पे भी वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसके कितने सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। इसमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए, बहुत इजीली बन जाता है। चलिए देखते हैं क्या इसमें चीज़ें चाहिए। तो ये आप देखिए, मेरे पास जिंजर है, ये मैंने जिंजर लिया है। इसको पील करके हमें स्लाइसेस में काटना, स्लाइसेस में मत काटें, आप इसे कूट लीजिए ताकि इसका रस मैक्सिमम आपको मिल सके, तभी आपको इसको फ़ायदा होगा। अगर आप इसके स्लाइसेस काटते हैं तो ऊपर ऊपर का रस आपको मिलेगा, स्लाइसेस अंदर रह जाएगा रस, वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसको आप छील लीजिए और इसको मैश कर लीजिए अच्छे से, तब इसे हम यूज़ करेंगे। तो सेकंड जो चीज़ है हमारे पास गार्लिक है, ये हमने गार्लिक ली है। जितनी क्वांटिटी आपकी जिंजर की होगी उतनी ही गार्लिक की आपको क्वांटिटी लेनी है, डिपेंडिंग आप कितना ऑयल बना रहे हैं। ये एक मेडिकेटेड ऑयल है, इस ऑयल, ये ऑयल एक बेस ऑयल बनेगा आपका। इसके अंदर आप जब भी आप अपने हेयर्स पे लगाएंगे तो आप कुछ और ऑयल ऐड करके लगा सकते हैं, बिकॉज ये ऑयल बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो आप डायरेक्टली इसे अप्लाई मत करें, बिकॉज इसमें जो इरिटेंट फैक्टर्स हैं वो आपके स्कैल्प को बहुत इरिटेट करेंगे, ताकि आपके पोर्स स्कैल्प के खुलें और ऑक्सीजन उनको मिले और वो आपके हेयर्स को उगाना शुरू करें। जिंजर का भी वही है, इरिटेंट फैक्टर है, गार्लिक का भी वही है और आपके हेयर्स में काफ़ी इरिटेंट पैदा करेगा। तो इसकी वजह से आपको ये ऑयल एज अ बेस ऑयल रखना है और आपको इसमें दूसरा ऑयल थोड़ा मिक्स करके आपके हेयर्स पे लगाना है। चाहे तो आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, कोकोनट इज़ द बेस्ट वन, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, तिल का, काले तिल का तेल ले लीजिए। अभी इसमें बेस वैसे भी काले तिल का तेल ही डलेगा, आप इसमें कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं, बेस्ट तो कोकोनट ऑयल ही रहता है हेयर्स के लिए, बट इस ऑयल को बनाने के लिए हमें काले तिल का तेल की ज़रूरत है। तो सेकंड हो गया हमारा गार्लिक और अब हम देखेंगे थर्ड। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, थर्ड हमारा है ग्रीन मेथी। जो मेथी आलू हम खाते हैं वो वाली ग्रीन मेथी लेनी है। इसमें मेथी के बीज नहीं लेने, सिर्फ आपको हरी मेथी लेनी है। मेथी 3 तरीके की आती है मार्केट में, एक तो बहुत छोटी आएगी वो एक्सट्रीम में कड़वी होती है, आप उसे खा नहीं सकते, बहुत कड़वी होती है। दूसरी एक होती है मिडिल वाली मेथी, जिसके डंडियां भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप उसे डायरेक्टली काट सकते हैं ऐसे। एक होती है बड़ी हाइब्रिड मेथी, जिसकी डंडियां बहुत स्ट्रांग होती हैं।
तो आप कोई भी टाइप की मेथी ले लीजिए, बस लास्ट वाली जो छोटी वाली होती है वो मत लीजिए, वो बहुत रेयर जगहों पे आती है, मिलेगी भी नहीं इतनी ईजली। तो जो सेकेंड मीडियम वाली है या फिर जो लार्ज वाली है आप कोई भी ले सकते हैं, और उनकी डंडियाँ भी आप साथ में काट लीजिए। तो मैंने इसको धोकर वॉश कर लिया है, वॉश ज़रूर करना है बिकॉज़ धूल मिट्टी लगी रहती है, वो आप अपने ऑयल में नहीं चाहते। तो आप उसे अच्छे से वॉश करें, धूप में नहीं सुखाएं, धूप इसका सारा मॉइस्चर जो इसका पानी है वो तो ले ही लेगा, प्लस इसके अंदर जो गुड चीज़ है वो भी खींच लेगा। तो इसलिए हमें इसे धूप में नहीं फैन में सुखाना है, घर में अंदर ड्राई करना है। जब ये अच्छे से सूख जाए, इसमें से मॉइस्चर निकल जाए, तब हमें इसको ऑयल बनाना है। तो हमने इसको धोकर सुखाकर काट लिया है, अभी सुखाया नहीं है, धोकर इसको मैंने तैयार कर लिया है। लेना है ये हमारा काले तिल का तेल है जो हमें बेस ऑयल लेना है, और ये हमारा एक नया चीज़ है जो हम इसमें डालेंगे, जो मेन फैक्टर है ये सुरमा है जो कि आइस में लगाया जाता है। पाउडर फॉर्म में लें आप, स्टोन फॉर्म में बहुत मुश्किल होगा ऑयल में डिजॉल्व होना, तो आप पाउडर फॉर्म ले लीजिए। आप किसी भी शॉप पे ये मिल जाएगा, आप फाइंड कीजिए, मुस्लिम शॉप्स पे मिल जाएगा इजली, और ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। आई वुड से आपके बालों के लिए ट्रेमेंडियस रिजल्ट्स देता है ये, इवन जिसके बाल नहीं भी आ रहे हैं उसके भी, मतलब वाइट बिल्कुल बॉल्ड पैच है अगर सर पे, बॉयज़ के रहता है, मेंस के आ जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम, ये उसको भी हटा देता है, ये बाल लेके आ जाता है आपके स्कैल्प पे, जो बहुत ही मेडिकेशन चीज़ों से नहीं आता। ये आईज़ की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है जो यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा आपका आईज़ साइट करता है, आई साइट भी बहुत अच्छी कर देता है, और ये भी इरिटेंट फैक्टर की तरह काम करता है आपके बाल पे। तो ये सारे जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं सब के सब इरिटेंट फैक्टर्स हैं, इरिटेंट चीज़ें हैं जो आपके स्कैल्प को इरिटेट करेंगी, जिसकी वजह से आपके पोर्स में ऑक्सीजन जाएगा और वो आपके स्कैल्प से बाल उगाना शुरू करेगा। ये पांच चीज़ें हमें चाहिए, और अब हम इन सबको पील कर लेते हैं, तब तक हमारी मेथी भी सूख जाएगी। गार्लिक को पील कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं सुरमे को बाउल में, और जिंजर को भी पील करके अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि इसका पूरा फ़ायदा हमें मिल सके। इवन गार्लिक को भी हम मैश करेंगे, हम इसके स्लाइसेस नहीं काटेंगे, स्लाइसेस काट के हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है, और हम तिल ऑयल लेंगे जिसमें हम इसे बनाएंगे। तो ये एक बेस ऑयल बेहतरीन हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं, इसको सुखा लेते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये ऑयल कैसे बनता है। ओके आप देखिए इसमें कितनी स्मोक आने लग गई है, इसमें बहुत स्मोक आती है। तो ये आप देख लीजिए इस तेल से बहुत स्मोक आ रही है, और ये देखिए बिल्कुल मेथी जल गई है। आप देखिए इस ऑयल से काफ़ी स्मोक आ रही है, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते इतनी स्मोक आ रही है। अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए ऑयल ठंडा हो गया है बिल्कुल, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं, और ये जो ऑयल है ये आपको रेगुलर, अब इसमें आप चाहें तो हिसाब से बना लीजिए कितना ऑयल है आपको बनाना है, अकॉर्डिंग टू 1 month 15 days के हिसाब से आप कितना भी ऑयल बना सकते हैं। एक बड़ी बॉटल ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये बड़ी बॉटल है, आपके पास आती है ऑयल्स की, कुकिंग ऑयल्स की बॉटल आती है पूरी 1 month का हिसाब से आप इसे बना लीजिए, मैंने सैंपल बना के आपको बताया है। आप इसको रेगुलर अप्लाई करें, इसमें कुछ और ऑयल मत मिक्स करें, इसमें आप इसी को ऑयल को कम्प्लीटली यूज़ करें, कम्प्लीट हेयर्स के लिए, जिसको भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम है उसके लिए। अगर ये बाकी चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, नरिशमेंट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो इसमें आप बाकी कोई भी और ऑयल मिला के आप थोड़ी सी 1-2 चम्मच इसकी मिलाकर लगा सकते हैं, फॉर लश्रस, फॉर शाइनिंग एंड एवरीथिंग। ये बहुत अच्छा ऑयल बना है, स्पेशली ये मेडिकेटेड ऑयल हेयर लॉस के लिए है, गंजपन के लिए है, और भी मैं तरीके बताऊंगी आपको कि हेयर लॉस के लिए, गंजपन के लिए, जो कम्प्लीटली स्कैल्प को जिनका बिल्कुल ही चिकना हो गया है, हेयर्स आ ही नहीं रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी। अभी ये उनके लिए है जिनके हेयर लॉस हो रहे हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, मेरे पास ये एक बॉटल है खाली फेस वॉश की, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ इसको। आप क्लीन बॉटल ले लीजिए कोई भी,
तो चलिए हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने जो स्ट्रेन कर रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल जल गई है हमारी मेथी। जिंजर गार्लिक पेस्ट का तो पता ही नहीं है कि वो गया कहाँ है। सुरमा तो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में था, बट जो मेथी है देखिए कैसी हो गई है, कम्प्लीटली जल गई है, काली हो गई है। इसके बेनिफिट सारे इसमें आ गए हैं ऑयल में। देखिए मैं अभी इसे बॉटल में करके आपको बताती हूँ। अभी मैं स्ट्रेन कर रही हूँ ज़रा इसे, बट मुझे आपको रेजिड्यू बताना था कि देखिए कैसी बिल्कुल जल गई है ये अच्छे से बिल्कुल। तो ऐसा आपको करना है, जब तक ऐसी ना हो तब तक उसके पूरा बेनिफिट ऑयल में नहीं जाएगा। तो चलिए मैं इसे पूरा स्ट्रेन कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पास इतना ऑयल निकल कर आया है, तो मैं इसे बॉटल में कर लेती हूँ। ये कम्प्लीटली ब्लैक है। तो देखिए मैंने बॉटल में भर लिया है, इतनी मेरी बॉटल बनकर तैयार। ये 210 ml की बॉटल है, तो इतना मेरा ऑयल बचा है। मैंने थोड़ा ही बनाया था सिर्फ सैम्पल आपको दिखाने के लिए। तो ये इस तरीके का ऑयल बना है और ये बहुत बेहतरीन, और देखिए खुद ही ब्लैक ऑयल है। कम्प्लीटली आपके बालों को नरिश भी करेगा और काला भी करता जाएगा। इसके बहुत फंक्शनैलिटी है। बहुत बेस्ट रिजल्ट के लिए आप थोड़ा सा और 1 tablespoon सुरमा ले लीजिए और वो इसके अंदर में डाल दीजिए, लेकिन उसके लिए ऑयल ज़्यादा होना ज़रूरी है। जितना ऑयल मैंने ये बनाया है इसके लिए उतना सुरमा काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और सुरमा परचेज़ करते हुए आप प्रिकॉशन रहे, जैसे मैंने बताया है कि कोई भी सुरमा आप ज़रा ध्यान से मुस्लिम शॉप से लें, बिकॉज़ आयरन मिक्स कर रहे हैं सुरमे में, आपको डैमेज हो जाएंगे हेयर्स। तो इस तरीके से आप अपने ऑयल को बनाइए। मेडिकेटेड ऑयल है, बहुत अच्छा है। दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि आप आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल करें, हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करें और अपने हेयर्स को नेचुरली अच्छा बनाएं, नेचुरली उनको क्योर करें। जो डैमेज हो गया है उसका आप कुछ कर नहीं सकते। अब क्रिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि हो चुका है। अब जो आगे हैं हमें उसके बारे में सोचना है कि अब इसे रिपेयर कैसे किया जाए। कोई भी साफ़ बॉटल आप यूज़ करें, उसमें आप इस ऑयल को डाल सकते हैं अच्छे से। इसको कम्प्लीटली इसमें आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपके हेयर्स को, शाइन भी देगा और रीग्रोथ बहुत ज़्यादा करेगा, वो भी इसमें मिला सकते हैं। बट कम्प्लीटली अगर आप सिर्फ होल सोली इसी को लगाएंगे विदाउट एनी मिक्सिंग अदर ऑयल्स, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अदर ऑयल्स वो लोग मिला सकते हैं जिनको हेयर लॉस की ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं, कोकोनट ऑयल मिला सकते हैं और 2-3 tablespoon इसका ले सकते हैं और अपनी बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, ताकि मेंटेनेंस के लिए उनको बोल रही हूँ, जिनके ऑलरेडी हेयर्स अच्छे हैं, हेयर लॉस नहीं है, वो मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ज़रूर इसे बनाइए, यूज़ कीजिए कम्प्लीटली। 1 month यूज़ करेंगे, गारंटीड गारंटीड आपके हेयर लॉस चले जाएंगे। अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हेल्थ भी अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आपके हेयर्स लूज हो रहे हैं मैक्सिमम, ये इवन इंटरनल प्रॉब्लम भी हो तो भी ये रिजॉल्व करता है, टू बी फ्रैंक। अगर आप इसको लगाएंगे तो भी ये आपके हेयर को बहुत अच्छा बनाएंगे, भले ही आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम भी हो, तो आपको ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। ओके, सो इसी तरीके की मैं और न्यू वीडियोज़, फैबुलस रिजल्ट्स जो देती हैं, यूज्ड हैं, लोगों ने अपनाई हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वही आपको बताऊंगी, ताकि आपका भी बहुत बेनिफिट हो और मुझे भी नॉलेज हो और आपको भी नॉलेज गेन हो। बिकॉज़ नॉलेज गेन करना बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर भी आपको मिले, जहाँ पर भी किसी का फ़ायदा हो रहा हो, वहाँ पर आप ज़रूर नॉलेज शेयर करें और लोगों को बताएँ, ताकि सबका बेनिफिट हो इसमें। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी न्यू वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटिफुल पीपल।